दिल वालों की दुनिया दिल्ली की गलियों में बीता बचपन, फिर सितारों के बीच चमकने बम्बई नगरिया पहुँचे और बनाया अपना ऊंचा मुकाम। चलिए सुनते हैं अर्जित तनेजा की जिंदगी की कुछ अनकही कहानियाँ। अर्जित तनेजा का जन्म 10 नवंबर 1992 को दिल्ली में हुआ। वही उनका बचपन बीता और स्कूल और कॉलेज उन्होंने वहीं से कंप्लीट किया। अर्जित ने साल 2014 में टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में पूरब खन्ना का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो सीरियल प्यार को होने दो में बिलाल खान के रोल में नजर आए थे। अर्जित ने जी टीवी के शो कलीरे में काम किया था। मई 2018 में वो सना सैयद, अदा खान और करण जोटवानी के साथ सीरियल जज्बात में शामिल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने बहु बेगम शो में भोपाल के नवाब का किरदार निभाया था। आपको बता दें, अर्जित तनेजा ने टीवी के कई हिट शोज में काम किया है। एक्टर अपने स्टाइल और लुक्स के लिए जाने जाते हैं। उनके सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। लड़कियों के बीच एक्टर की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। एक्टर के फीमेल फैंस पर उनका चार्म चलता है। कई लड़कियों का सपना है कि वो अर्जित तनेजा को डेट करे। हाल ही में एक चैट शो का हिस्सा बने अर्जित तनेजा ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर अपने काम के बारे में कई दिलचस्प बातें की। उन्होंने बताया कि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का हिस्सा बनने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। एक्टर ने कहा कि शो के जरिए उनके अंदर का डर खत्म होगा और लाइफ में और मजा आएगा। वही जब उनसे उनके फेवरेट कोस्टार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना देर किए मृणाल ठाकुर का नाम लिया। उन्होंने आगे जवाब देते हुए कहा, मृणाल मेरी पहली कोस्टार है, हमने अपने करियर की शुरुआत एक साथ की है। जब अर्जित से पूछा गया कि क्या उन्हें मृणाल पर क्रश था तो एक्टर ने कहा, नहीं, हम दोस्त हैं। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या उन्हें पहले मृणाल पर क्रश था तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अब मुझे उन पर क्रश है। अर्जित का लिंकअप कई एक्ट्रेसेस जैसे आशा नेगी, स्मृति झा और मृणाल ठाकुर के साथ कई बार हुआ, पर अर्जित ने हमेशा ही खुद को सिंगल बताया। और अब अर्जित खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का हिस्सा बने हैं, जहां उनके मजेदार स्टंट्स देखने को मिलेंगे। अर्जित पहली बार कोई रियलिटी शो का हिस्सा बने हैं और अपने फैंस को दिखाएंगे अपना जबरदस्त स्टंट। खतरों को लेकर अर्जित ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा, दिस इज माय फर्स्ट रियलिटी शो, बिफोर दिस आई हैव जस्ट एक्टेड। ग्राफ, आई मीन आई कांट कमेंट ऑन इट, मतलब एक्टर तो कभी सैटिस्फाई नहीं होते, सो वी ऑलवेज वांट टू डू समथिंग बेटर एंड कीप ऑन इंप्रूविंग, बट दिस इज द फर्स्ट रियलिटी शो एंड आई होप वी ऑल मेक अ गुड शो। यार, सबने मुझे एडवाइस दी है। स्मृति लास्ट ईयर गई थी तो सबसे ताज़ा उसी की एडवाइस थी। सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली, पर एंड में सबने ही बोला है, ज़्यादा मत सोचो, हैव फन, जस्ट हैव फन। इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है, आपको हर चीज़ करने के लिए मिल रहा है। इवन इफ यू वॉन्ट टू पे, यू कान डू ऑल दिस, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो। ये नहीं कि जिम जाएँ और बॉडी बिल्डिंग करके वेट्स उठा के आ गए। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड योर कोर, बिकॉज ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेंटल स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू कॉन्ट प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप वहाँ से कूदोगे। आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो इट विल बी डिफरेंट टू वॉट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस, राइट? So yeah, I mean, I think we'll take it, I'll take it as it comes. I've always wanted to do this show. That's, I think this is the only reality show that I really wanted to do. So yeah, like she said, have fun. Everybody who's done it also told me that have fun and it's a great experience. So वही करेंगे। तो आपको कितना पसंद आया अर्जित का ये सफर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।